Hello students and welcome to SnapSolve. There was some timing confusion. तो हमारी जो क्लास है वो it's on yeah sorry Surbhi. The yes I'm so sorry for the delay and if you can hear me please. So if you're there, just tell the class got delayed. It's gonna be at 4. Wait, let me just. Hi, Bibhu. Hi, how are you? Yeah, there was some timing confusion. Hi, Javed. How are you? Sorry. Yes, Javed. Hi, Surbhi. Thank God you people are there. I thought that you know I missed it, so it might be you people are not going to be there. I'm absolutely good. I'm good. I'm glad that you people are here. Okay. I'm absolutely good. Great. Hi. So ye batao pehle kaise ho sab log and how's everything? So we are almost meeting after a week. कोशिश है रैन मीटिंग हम खत्म कर देंगे नहीं तो आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो पक्का ही खत्म हो जाएगा ठीक है गुड इवनिंग ओ प्लीज जावेद दैट्स सो स्वीट ऑफ यू बट नो थैंक यू बच्चे थैंक यू सो मच ओके सो सी गलती करके सॉरी तो बोलना पड़ता है ना चाहे कोई भी हो चाहे बड़ा हो छोटा हो या कोई भी हो है ना तो टाइमिंग का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया बट आई एम ग्लैड दैट यू पीपल आर हियर अच्छा मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास का रिवाइज किया आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था मतलब मुझे याद है बट आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोगों को याद है नहीं याद है कितना पढ़ लिया था और ये बताओ आज वैसे तो जो टॉपिक है उसमें भी तुम लोगों को दिख जाएगा तो उससे भी तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हमने कहाँ तक खत्म कर लिया था और आज हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं ठीक है तो बस थोड़े से क्वेश्चंस हैं जस्ट फॉर द रिवीजन कि आप लोगों ने जो पिछली क्लास में हमने किया था वो कितना आप लोगों को याद है ठीक है सो जस्ट फॉर दैट हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे उसका ठीक है सो लेट्स सी एनिमल किंगडम हमारा टॉपिक चल रहा है येस रिवाइज दैट्स ग्रेट सुरभि तो एकदम फटाफट से आंसर देती है बाकी सब बच्चे भी फटाफट से आंसर देंगे सुरभि की तरह ठीक है जावेद तुम भी आंसर देते हो जावेद और सुरभि बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं यस एनिलिंदा यस एब्सोल्युटली राइट सुरभि बिल्कुल सही कहा एनिलिंदा तक हमने कंप्लीट कर लिया था सो गॉट सम क्वेश्चंस फॉर द रिवीजन ठीक है तो जल्दी से मुझे रिप्लाई करेंगे क्वेश्चंस देख के इट्स जस्ट फ्रॉम द प्रीवियस क्लास सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में देखा जाता है फर्स्ट सीन इन ठीक है सबसे पहले जो हमने देखा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यस एनिलिंदा तक हम पढ़ चुके हैं आज हमें आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करना है ठीक है सो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से बताएंगे किसमें होता है सीलेंट्रेट्स में प्लैटीहेल्मिंथस में नीमेटोहेल्मिंथस इसको हम एस्किलमिंथस भी कहते हैं लेट मी टेल यू ठीक है ये दो नाम है इसके नीमेटोहेल्मिंथस एंड एस्किलमिंथस एंड ऑप्शन डी आर्थ्रोपोड्स ठीक है तो व्हिच इज द करेक्ट आंसर किसमें दिखता है हमको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से यस एब्सोल्युटली राइट सुरभि ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है बिभू ने भी बिल्कुल सही आंसर बिभू एंड मयूरी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है यस तो जल्दी से मुझे ये बता दो कि सीलेंट्रेट में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है और इन दोनों में कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है अब क्योंकि बाकी भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ते चलना है ना तो जल्दी से बता दो ये तो तुमने बता दिया ठीक है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो प्लैटीहेल्मिंथस में होता है जल्दी से बताओ सीलेंट ट्रेट्स में क्या होता है और इन दोनों में देखो सेम है इसलिए मैंने एक साथ पूछा है तो ये तो तुम लोग समझ गए होंगे तो जल्दी से मुझे बता दो कि आपका सीलेंट ट्रेट्स में जो है वो कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जल्दी से बताना है ताकि हम आगे फटाफट से बढ़ सके यस बिल्कुल सही बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आप दोनों ने जावेद वेयर आर यू देखो आंसर करते चलना है साथ में ऐसे मजा नहीं आता ठीक है तब भी आंसर करेंगे तो पता चलेगा ना कि टॉपिक पक्का हो गया है वेरी गुड एक्सीलेंट सुरभि बिल्कुल सही टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है आपका सीलेंट ट्रेट्स में एंड नीमेटोहेल्मिंथस एंड आर्थ्रोपोड्स में आपका होता है ऑर्गन सिस्टम ऑब्वियसली एडवांस हो गया ना ये दोनों इससे एडवांस्ड हैं तो इसमें कुछ एक्स लेवल आ चुका है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यस सुरभि एग्जैक्टली राइट देखो सुरभि इज ऑन फायर बिल्कुल सही आंसर दबाकर देती जा रही है जल्दी से मुझे बताओ फॉलोइंग डैश कौन से इनमें से आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हैं
तब तक मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, हमने दो पढ़ा था आपका जो जर्म लेयर मतलब जो आपकी तीन जर्म लेयर्स होती हैं, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म, मिडिल में मीजोडर्म एंड आपका इनर मोस्ट होती है एंडोडर्म। तो बेसिस ऑन कौन कौन सी लेयर है, वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म एज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाम से पता चल रहा है बहुत ईजी है, ट्रिपल मतलब तीन लेयर्स हैं ठीक है, और डिप्लो मतलब दो लेयर्स हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, मीजोडर्म नहीं होता। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपका एक्टो भी होता है, मीजो भी होता है और एंडो भी होता है। तो यू हैव टू टेल इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही सारा रिवाइज कर लिया था क्या है ठीक है। ये तीन आपकी जर्म लेयर्स होती हैं, जब हम डेवलप हो रहे होते हैं ना एम्ब्रियो में होती हैं ये लेयर्स, जिसमें धीरे धीरे करके इन लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स मतलब पूरी बॉडी इन तीनों लेयर से डेवलप होती है ठीक है। यस एब्सोल्युटली राइट विभुन मयूरी, बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, यस बोथ, यस एब्सोल्युटली राइट। सो भी और विभु ने बिल्कुल सही आंसर दिया है ऑप्शन डी, दैट इज प्लैटीएलमिंथस और एस्केलमिंथस दोनों में ही ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलेंट ट्रेट्स आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलेंट ट्रेट और टीनोफोरा ये जो दो हैं आपके, इन दोनों में सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी प्लैटीएलमिंथस से लेके कॉर्डेट्स तक आपके सारे ही सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यस एब्सोल्युटली राइट, वेरी वेल डन, तो बिल्कुल सही पढ़ कर आए हैं। सीलोम ऑफ सीलेंट ट्रेट इज ट्रू सीलोम और फॉल्स सीलोम। एक्चुअली इस क्वेश्चन में सीलेंट ट्रेट ऑप्शन नहीं होना चाहिए, सीलेंट ट्रेट नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को बोलूंगी कि क्यों क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीलेंट ट्रेट्स के पास कोई सीलोम होता ही नहीं है, तो ट्रू और फॉल्स सीलोम के ये बात ही गलत है ठीक है। तो ये मैंने कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को दिया है ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्लियर करने के लिए। कई बार ऐसे बच्चे जो है क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि देखो जो सीलोम क्या होता है, सीलोम इज दी बॉडी कैविटी ठीक है, सीलोम इज दी बॉडी कैविटी जिसमें आपके ऑर्गन्स जो है वो फिट होते हैं ठीक है। लेकिन ये जो सीलोम होता है ये डेवलप कहाँ से होता है, ये मीजोडर्म से डेवलप होता है, मीजोडर्म स्प्लिट होता है, मीजोडर्म स्पेस क्रिएट करता है, कैविटी क्रिएट करता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। यस सर बिल्कुल सही है ठीक है। सो मीजोडर्म जो है वो उससे डेवलप होता है। अब इसके बाद मीजोडर्म ही नहीं है, अभी हमने देखा कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है। लेकिन एक बात आप लोग याद रखना, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताती हूँ, जब आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो ना डायग्राम में लिखा हुआ है, बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ कि जो आपके ये होते हैं ना टीनोफोरा और आपके नाइडेरिया यानी सीलेंट ट्रेट्स जो होते हैं, इनके पास जो है एक नॉन सेल्युलर कैविटी होती है, नॉन सेल्युलर लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया ठीक है, ये याद रखना है ठीक है। नॉन लिविंग लेयर होती है, दिस इज अ नॉन लिविंग और नॉन सेल्युलर लेयर होती है, नॉन लिविंग लेयर होती है बेसिकली, नॉन सेल्युलर तो नहीं, नॉन लिविंग लेयर होती है, मीजोडर्म नहीं होती, इनके पास क्या होती है मीजोग्लिया। तो ये आप लोगों को याद रखना है ठीक है ना। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैटीहेल्मिंथस आर, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैटी, ये सब भी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था, नन कोई भी सीलोम उसके पास नहीं होगा ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आई गेस आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैटीहेल्मिंथस, प्लैटीहेल्मिंथस के एग्जाम्पल्स बताने आप लोगों को, मीजोग्लिया वैसे बोलते हैं इसको ठीक है, अदर टर्म इसका मीजो हाइल हो सकता है, बट मैंने मोस्ट कॉमनली मीजोग्लिया ही सुना है। आपकी नाइन्थ की एनसीईआरटी में भी मीजोग्लिया मेंशन है और इलेवेंथ की एनसीईआरटी में भी मीजोग्लिया मेंशन है, उसमें हाइड्रा का डायग्राम बना हुआ है, उसमें मीजोग्लिया मेंशन है, तो इसलिए हम बता रहे हैं। पॉसिबिलिटी है ना भी पूछे, पॉसिबिलिटी पूछ भी ले तो इसलिए हमें तो पता होना चाहिए ठीक है ना। जल्दी से बताओ एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैटीहेल्मिंथस आर, प्लेनेरिया, टीनिया या फेसियोला, जल्दी से बताना है। एब्सोल्युटली राइट, ऑल थ्री, तीनों होते हैं। प्लेनेरिया आपका जो है एक्वेटिक प्लैटीहेल्मिंथस होता है, और ये दोनों जो हैं आपके वो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं ठीक है। एक बात आप लोगों को क्या याद रखनी है यहाँ पे, कि जो ये टीनिया होता है ना, टीनिया दैट इज टेप फॉर्म, दिस इज योर डायजेनेटिक होस्ट। इस डायजेनेटिक होस्ट का मतलब क्या होता है, ये दो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी पे सर्वाइव करता है ठीक है। तो ये इसके जो दो होस्ट है, प्राइमरी होस्ट इसका होता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट इसका होता है पॉक ठीक है। तो उसके थ्रू जो है ये स्प्रेड करता है, डायजेनेस्टिक हो, दो होस्ट पे सर्वाइव करता है, दो पे इसकी बॉडी सर्वाइव करती है।
ना मेटामेरिज्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटामेरिज्म किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है? प्लैटीहेलमिंथस का, मोलस्का का, पोरीफेरा का या फिर एनेलिडा का? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. मेटामेरिज्म दैट इज सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं, मेटामेरिज्म इज बेसिकली सेगमेंटेशन. ये किस फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? यस, जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड सुरभि. एनेलिडा, एनेलिडा का नाम ही एन्यूलाई, एन्यूलाई यानी रिंग्स इनकी बॉडी में होते हैं. मैंने आप लोगों को बात बताई थी प्लैटीहेलमिंथस टेपवर्म में भी सेगमेंट्स होते हैं, बट वो ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, वो फॉल्स सेगमेंटेशन है. ट्रू सेगमेंटेशन तब बोलते हैं जिस सेगमेंटेशन के साथ ऑर्गेनिज्म बॉर्न होगा, बट प्लैटीहेलमिंथस में इसमें क्या है, ये अपनी सेगमेंटेशन बाद में भी ये कर सकता है, तो इसीलिए ये फॉल्स सेगमेंटेशन होती है. ठीक है, यस एनेलिडा एब्सोल्युटली राइट. फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स फॉर, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था हमने और शायद मैंने लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन दोबारा पूछा था, तो अभी दोबारा डिस्कस कर लेते हैं. फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके? एनेलिडा के, सीलेंट्रेट्स के, प्लैटीहेलमिंथस के या फिर एकाइनोडर्मेटा के? हाय बबीता, हाय हाउ आर यू बच्चे, आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास. ऑल दोज हु आर कनेक्टिंग विद अस फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड मुझे ना वीडियो पे लाइक्स नहीं दिख रहे हैं. अच्छा भाई, 6 लाइक आ गए, ऐसे कंप्लेन नहीं कर सकते, भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं हमारे. ठीक है, यस एब्सोल्युटली राइट सुरभि, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही. प्लैटीहेलमिंथस पढ़ा था ना, फ्लेम सेल्स होते हैं प्लैटीहेलमिंथस यानी फ्लैट वर्म्स. फ्लेम सेल्स होते हैं इनके ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन. अच्छा तो मुझे ये बता दो सुरभि, कैन यू टेल मी द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ एनेलिडा? एनेलिडा का बता सकते हो? Can you tell me the excretory organ of annelida? मैंने बताया था, ये मैंने क्वेश्चन नहीं डाला है, तो मैंने सोचा था इसके साथ ही मैं पूछ लूंगी, क्योंकि annelida का भी एक अलग से हमने excretory organ पढ़ा था. Cylindrate का तो देखो बॉडी सर्फेस से हो जाता है, एकाइनोडर्मेटा तक हम पहुंचे ही नहीं है अभी, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे. बट annelida का भी एक स्पेशलाइज excretory स्ट्रक्चर था जिससे वो excretion करता है, बुक में प्रॉपरली मैंशन है. वेरी गुड सुरभि, वेल डन बच्चे, बहुत ही बढ़िया, मतलब तुमने एनिमल किंगडम अपना बहुत बढ़िया कर लिया, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड. यस एनेलिडा का क्या है? नेफ्रीडिया. वेरी गुड, वेरी गुड सुरभि, एक्सलेंट, बहुत बढ़िया बच्चे. ओके अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, एनेलिड्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय presence of true coelom in metamerism, presence of true coelom but the absence of metamerism, absence of true coelom in metamerism, absence of true coelom but the presence of metamerism. मुझे annelida का भी बताओगे तुम लोग और Asclepiomyces का भी बताओगे. Asclepiomyces में क्या है, पहले annelida का डिस्कस करते हैं. annelida में क्या होता है? true coelom होता है, metamerism होता है. true coelom होता है but metamerism नहीं होता, या फिर true coelom नहीं होता metamerism होता है, या फिर true coelom नहीं होता but metamerism होता है. तो क्या होता है जल्दी बताओ, यहाँ पे दोनों एब्सेंट की बात हो रही है. यस वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली राइट, एनेलिडा से ही ट्रू सिलोम स्टार्ट हुआ है. मेटामेरिज्म तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो बस ट्रू सिलोम वाला हमें चेक करना था कि उसमें होता है नहीं. अब मुझे बताओ Asclepiomyces में क्या होता है? Asclepiomyces में क्या है, ट्रू सिलोम है या नहीं? ट्रूसिलोम है या नहीं Asclepiomyces में, जल्दी से बता दो. यस फॉल्स सिलोम है, जिसे हम स्यूडो सिलोम कहते हैं, क्योंकि इसका जो सिलोम होता है वो पाउचेस में होता है, दैट इज नॉट कम्प्लीटली लाइंड बाय मेसोडर्म ऑल अराउंड, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो सिलोम. ठीक है, चलो नेक्स्ट. अब हम स्टार्ट करेंगे आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा. ठीक है, आर्थ्रोपोडा जो है आपका वो लार्जेस्ट फाइलम होता है, यू नो इट इज द लार्जेस्ट फाइलम, और इसमें आपकी क्लास आती है इंसेक्टा. ठीक है, यस यूरोसिलोम होता है, यस बी एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें आपकी बटरफ्लाइज भी इसमें आते हैं, आपके स्कॉर्पियंस जो ये होते हैं बिच्छू जिसे हम बोलते हैं, स्पाइडर्स हो गई, और इंसेक्ट्स आप लोगों को पता ही है, जितने भी दुनिया भर के इंसेक्ट्स हैं वो सारे आके किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में. अगर इसको हम ब्रेक करें
अर्थ्रो, अर्थ्रो का बच्चों मतलब होता है जॉइंटेड, ठीक है। एंड पोडो, पोडो यहाँ पे जो पोडोमियोस या फिर अपेंडेजेस या फिर लेग्स, सिंपल लेग्स, या फिर आप पोडोमियोस बोल सकते हो इसको, या फिर आप बोल सकते हो अपेंडेजेस। तो ये इनका नाम जो है वो किससे पड़ा है, जॉइंट अर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस। इसकी जो टांगे आप देख सकते हो, देखो कैसी है, बहुत अच्छी इमेज इसमें आपको दिख रही है इसकी, देखो कैसे कैसी इसकी टांगे, जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेजेस, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। इसीलिए इनका फाइलम का नाम पड़ गया अर्थ्रोपोडा, ठीक है। सो लार्जेस्ट फाइलम, अब देखो इसको एवोल्यूशन को कैसे समझेंगे, हमने स्टार्ट किया था कहाँ से, पॉलीपेरा आपके पानी में थे, सीलेंट्रेटा आपके पानी में थे, टीनोफोरा आपके पानी में थे, प्लैटियल मिंटिस पानी में थे, लेकिन थोड़ा सा लैंड बैरियर शुरू हुए कैसे, एज दी पैरासिटिक फॉर्म्स। फिर एस्किल मिंटिस में भी यही हुआ कि पैरासिटिक फॉर्म्स भी मिल गए आपको, फ्लू वाटर फॉर्म्स भी मिल गए। अब जो एनिलिडा से वो आना शुरू हुए लैंड में, ठीक है, उसमें आपको एक्वेटिक फॉर्म्स भी मिल सकती है, उसमें आपको पैरासिटिक फॉर्म भी मिल सकती है। एक्वेटिक फॉर्म उसमें हमने पढ़ी थी ना, नीडीज होती है आपके एनिलिडा की एक्वेटिक फॉर्म, और प्रॉपरली पैरासाइट नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक तो पैरासाइट बोल सकते हैं, लीच जिसे हम बोलते हैं हीरोडिनेरिया। लेकिन लैंड पे ये कैसे रहते हैं, आ तो गई लैंड पे, लेकिन ये रहते हैं आपकी मॉइस्ट एरियाज में। एनिलिडा की बात कर रही हूँ मैं, आर्थ्रोपोडा की बात नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। मॉइस्ट एरिया में ये लोग रहते होते हैं, और इनका जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है, इनके पास कोई एक्सोस्केलेटन तो नहीं है, बट जो लाइनिंग है मैंने आपको बताया था क्यूटिकल जिसे हम बोलते हैं, जो एल्ब्यूमिन का बना होता है। एल्ब्यूमिन क्यों, ताकि ये मॉइस्ट एरिया से अपना पानी अब्सॉर्ब कर सके। तो कंप्लीट डिपेंडेंस कंप्लीटली लैंड पे इंडिपेंडेंटली नहीं आ पाए, ठीक है। लेकिन अब जो फाइलम आया अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा वो फाइलम है जो आपको प्रॉपरली लैंड पे इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता हुआ नजर आएगा। क्यों, क्या ऐसा फीचर एड ऑन हो गया है इसके पास जिसकी वजह से ये इजीली लैंड पे रह सकता है? आंसर इज वेरी सिंपल, इसके पास होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन जो इसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए आपको इंसेक्ट जो है वो आपको डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस में मिल जाएंगे, आपको लैंड में मिल जाएंगे, आपको ठंडे इलाकों में मिल जाएंगे, मतलब हर एनवायरनमेंट में आपको अर्थ्रोपोडा मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि इसके उसको नेचर ने एक ऐसा फीचर दे दिया, आप बोल सकते हो इसको कवच दे दिया, एंड दैट इज काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ठीक है। और अगर इसकी बॉडी को हम डिवाइड करें, हमने कॉकरोच पूरा पढ़ चुके हैं हम, इस पर क्या होता है, एक हेड होता है, ठीक है, एक थॉरेक्स होता है, और नीचे इसका अब्डोमेन होता है, तीन सेगमेंट थॉरेक्स के थे और फिर अब्डोमेन। तो इसको भी आप बोल सकते हो कि इसकी बॉडी में भी सेगमेंटेशन होती है, नॉट लाइक द सेगमेंटेशन प्रेजेंट इन एनिलिडा, मतलब ये सेगमेंटेशन को कोई उससे रेफर नहीं कर रहा है, सेगमेंटेशन बेसिकली कि बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो इसकी कैसी होती है, हेड थॉरेक्स एंड अब्डोमेन, पूरी बॉडी जो है तीन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, हेड थॉरेक्स एंड अब्डोमेन, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी बात करेंगे इसका आप डाइजेस्टिव सिस्टम की, अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसके पास जो है एलिमेंट्री केनाल वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। कॉकरोच में मैंने आपको पूरा बताया था, एलिमेंट्री केनाल इनके पास होती है, इनके पास माउथ होता है, ठीक है, इनके पास एनस होता है, इनके पास ईसोफेगस है, फेरिंग्स है, इंटेस्टाइन है, हमने बात की ना फोरगट मिडगट हाइंडगट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन इनकी काफ़ी डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड है, इनफैक्ट दे हैव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आल्सो। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में इनके पास सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, मैंने पूरा कॉकरोच में लोगों को दिखाया था यहाँ पर कि, लेकिन कॉमन ट्यूब होती है, ये सलाइवरी ग्लैंड होता है, एक यहाँ सलाइवरी ग्लैंड होता है, बट उसकी फिर कॉमन ट्यूब होती है, अलग से ट्यूब नहीं है। जैसे हमारे पास तो इंडिविजुअल सलाइवरी ग्लैंड की अपनी अपनी एक ट्यूब है, डक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका फेरिंग्स होता है, फिर इसका ईसोफेगस होता है, इसके पास गिजार्ड होता है, गिजार्ड जो काइटिनस टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रॉप होता है इसके पास, ठीक है, इसके पास फिर फोरगट है, मिडगट एंड हाइंडगट, ये मैं पूरा आप लोगों को कॉकरोच में बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड इसके पास क्या है, हेपेटिक सीके है, द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, हेपेटिक सीके होते हैं जहाँ पे ये आपके जो रिलीज करता है, लिवर का बेसिकली काम करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है, जैसे हमने कॉकरोच की बात की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था उसके पास ट्रेकियल सिस्टम था। कॉकरोच कैसे ब्रीथ करता था, कॉकरोच के ब्रीथ करने के ना दो तरीके थे, जब वो मूव करेगा ना तो वो मूव करते हुए क्या करेगा, मूव करते हुए वो आपका ट्रेकियल सिस्टम को यूज करता है, ठीक है। ट्रेकियल सिस्टम क्या होता था कि बाहर उसकी बॉडी में स्पाइरिकल्स थे, स्पाइरिकल्स क्या है, होल्स हैं जिसके थ्रू जो है वो ऑक्सीजन को अंदर लेता है, फिर पूरा ऐसा लाइनिंग है उसके पूरी बॉडी में, उसका ये ट्रेकियल सिस्टम आपका सस्पेंडेड होता है, ठीक है। ऐसे ट्यूब लाइक सिस्टम है जिसको ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं, वो अगर स्टॉप हो जाता है तो वो डिफ्यूजन सिंपली रेस्पिरेशन करता है। लेकिन आपके यहाँ प्रॉन्स जो होते हैं उसमें गिल्स होते हैं,
कुछ और कह रहे हैं जब में बुक गिर जाए, किसी में बुक लंग्स है। बुक लंग्स बेसिकली क्या होते हैं, लंग्स का कम डेवलप्ड वर्जन। ठीक है, तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वेराइटी ऑफ जो है आपके रेस्पिरेशन के ऑर्गन्स होते हैं, जो मेन आपको याद रखें, जैसे गिल्स, बिल्कुल बहुत सही, वेरी गुड सर भी, बुक गिल्स होते हैं, किंग क्रैब में आपके गिल्स होते हैं, प्रॉन्स में ट्रेकियल सिस्टम होता है, कॉकरोच में होता है, कई बार डिफ्यूजन से भी कर लेते हैं ये। ठीक है, सो दैट इज अबाउट देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम इनके सेंसरी ऑर्गन्स की बात करेंगे, सेंसरी ऑर्गन्स की तरह अगर मैं इसका आपको नर्वस सिस्टम का भी बताऊं, तो आप लोगों को कॉकरोच का हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था इसका क्या होता है कि इसके पास, जैसे हमने एनेलिडा में देखा था ना, एनेलिडा में क्या था, एक सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन था। ठीक है, यहाँ पे एक सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन था और वहां से जो है नर्व जो है अराइज हो रही थी। ठीक है, सो लेकिन इन केस ऑफ दिस, दैट वॉज इन द केस ऑफ आपका एनेलिडा में। बट आपका जो ये होता है, क्या बोलते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, अर्थ्रोपोड्स होता है। अर्थ्रोपोड्स में देखो क्या होता है, अर्थ्रोपोड्स में ना एक होता है आपका सुपर सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन, बेसिकली जो इसोफेगस के आपके ऊपर होता है। ठीक है, इसके पास एक और गैंग्लियन होता है जिसे आप बोलते हो सब इसोफेजियल गैंग्लियन। दो गैंग्लियन है और वहां से एक हो गया सुपरा, एक हो गया सब, दो गैंग्लियन है इसके पास और वहां, यस, बुक लंग्स एंड स्कॉर्पियो, वेरी गुड सर्वी, एक्सेलेंट। और वहां से फिर नर्व्स अराइज हो रही है। ठीक है, तो इसका भी एनेलिडा की तरह सेम है, इट हैज डॉर्सल, ठीक है, सॉरी, इट हैज वेंट्रल, वेंट्रल है, डबल है, सॉलिड है एंड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड है। ऑलमोस्ट जो है इसका नर्वस सिस्टम आपका उसकी जैसा ही होता है एनेलिडा की तरह, थोड़ा सा एडवांस्ड होता है। इसके पास एक और गैंग्लियन होता है, एक होता है सुपरा इसोफेजियल गैंग्लियन, एक होता है सब इसोफेजियल गैंग्लियन, जिनसे नर्व्स अराइज होते हैं। ठीक है, जैसे एक हो गया सुपरा, हो गया एक, हो गया आपका सब, उनसे जो है यहाँ पे एक मेन बोन होती है, यहाँ से आपकी नर्व्स अराइज होती हैं। वो अलग अलग इसकी जो है नर्व्स उसके पास है। इसका नर्वस सिस्टम के बारे में हो गया। सेंसरी सिस्टम के लिए इसके पास एंटीने हैं, एंटीने इनके सेंसरी होती है आईज, कंपाउंड एंड सिंपल दोनों, और इनके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है स्टैटोसिस्ट। ठीक है, ये स्टैटोसिस्ट जो बैलेंसिंग ऑर्गन है ना, ये पहली बार आपका सीलेंट्रेटा में देखा जाता है। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरम, इन दोनों के पास होता है ये बैलेंसिंग ऑर्गन। उसके बाद हम इसको देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा में। तो ये सारा जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ट्रेस करता है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चलता आ रहा है आपस में। ठीक है, एक्सक्रीशन मैंने आपको बताया था, जैसे हमने देखा कि प्लैटियल मेंटिस का हमें एक प्रॉपर नेम दे रखा है कि उसके पास फ्लेम सेल्स होते हैं, देन आपके एनेलिडा के पास नेफ्रीडिया होता है, ऐसे ही आर्थ्रोपोड के पास जो है मेल्टीजन ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये आपकी कॉकरोच के केसेस में ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एट द जंक्शन ऑफ हाइंड गट एंड मिड गट, इनकी जंक्शन पे ये प्रेजेंट होती है। और ये मैल्टीजन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, ये जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको अब्जॉर्ब करती हैं ब्लड से डायरेक्टली और फिर उसको हाइंड गट में डाल देती हैं। तो इसके पास एक्सक्रीशन के लिए कोई अलग से वो नहीं, जैसे हमारे पास तो किडनी का अलग सिस्टम है ना, किडनी जो है वो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, उससे जो है वो काम कर रही है, यूरेटर्स जा रहा है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है फिर, लेकिन ये क्या करता है इसका, इसके पास किडनी की तरह काम करने के लिए मैल्टीजन ट्यूब्यूल्स तो हैं जो ब्लड को फिल्टर करके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर लेंगी, लेकिन ये उसको रिमूव कहाँ कर रहा है, उसको हाइंड गट में डाल रहा है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक से ही एलिमिनेट हो रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, सो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर ली, रेस्पिरेटरी की बात कर ली, नर्वस की कर ली, एक्सक्रीशन की कर ली, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मोस्टली डायोशियस होते हैं, डायोशियस का मतलब क्या था, दो पॉपुलेशन यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग इनके पास होता है। कॉकरोच का जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि कॉकरोच में हम मेल और फीमेल कॉकरोच को कैसे, मतलब मेल कॉकरोच को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कैसे होता है मेल कॉकरोच में। जल्दी सुरभि फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो कि कॉकरोच का क्या होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का तरीका, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैं पढ़ा चुकी हूँ इसीलिए मैं ये चीज़ दोबारा पूछ रही हूँ, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएंगे। सुरभि, कैन यू आंसर दिस? नो, डायोशियस डज नॉट मीन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। डायोशियस का मतलब होता है बेटा कि डाय मतलब दो पॉपुलेशन है, दो अलग अलग पॉपुलेशन है, मतलब कि इसके पास एक मेल पॉपुलेशन है और एक फीमेल पॉपुलेशन है, मतलब कि, और अगर ये होता है मोनोशियस, अगर ये मोनोशियस होता है तो मोनोशियस का मतलब क्या होता है, एक सिंगल पॉपुलेशन है, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा है, बायसेक्सुअल है, मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में है।
ठीक है, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जरूरी ये नहीं होता कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म डायोशियस है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेगा ही करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाहर से नहीं दिखता होता कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मेल है या फीमेल है, बट वो बायसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसके बाहर से देख के बता सकते हो। तो कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है, आप बाहर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेल है या फीमेल है। तो जल्दी से मुझे ये कमेंट करके बताओ, व्हाट इज द फीचर, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि मेल कॉकरोच है या फीमेल कॉकरोच है, ये मुझे आप लोगों को बताना है। चलो सुरभि फटाफट से बता दो मुझे, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। हाँ याद है या नहीं याद तो मैं बता दूंगी, ये बता दो कि याद है या नहीं। यस, कैन यू आंसर दिस। ओके मैं बता देती हूँ, आपके जो मेल कॉकरोच होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है जिन्हें हम बोलते हैं एनल स्टाइल्स। एनल स्टाइल्स जो उनके नाइन्थ अबडोमिन के अबडोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। एंड फीमेल एंड मेल दोनों के बाद एक स्ट्रक्चर होता है एनल सरकाय। एनल सरकाय मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं, विच इज प्रेजेंट एट द टेंथ सेगमेंट। बट एनल स्टाइल्स जो होते हैं वो सिर्फ मेल कॉकरोच में होते हैं। हाय जया, लर्न है, ठीक है, क्लियर है फिर ये चीज। आज लेट हो गई जया, आधी क्लास तो हो गई। ओके सुरभि, बट आई कैन नॉट सी इन द कमेंट्स, बेटा पता नहीं या तो वो मिस हो गया। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जया, हाउ आर यू, कैसे हो? ठीक है, सो फर्टिलाइजेशन कैसी होती है अर्थ्रोपोडा में? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि जैसे अगर हम अगर हमने बात करा कि इनके पास कोई ना कोई ऐसा फीचर होता है जिसके थ्रू जो है ये स्पर्म फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया टाइप कोई स्ट्रक्चर होता है। ओवीपेरस है, ओवीपेरस का मतलब जल्दी से बताओ कमेंट करके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवीपेरस, ओवीपेरस का क्या मतलब होता है, ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मुझे। ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जल्दी से बताएंगे। हेलो अविनाश, सब लोग लेट हो गए, आधी क्लास हो चुकी है, अर्थ्रोपोडा खत्म होने पे तब लोग तब तुम लोग आ रहे हो। चलो फटाफट से मुझे बता दो, ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं जल्दी से। इट्स अ सो इजी क्वेश्चन, इतनी देर लगनी ही चाहिए आंसर करने में। आई एम वेरी गुड, वेरी गुड अविनाश, एब्सोल्युटली राइट। ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स आदि एग लेग में, इसको कैसे याद रखती हूँ, ओ कैसा अंडे के जैसा, सो ओवीपेरस आर, यस सुरभि एब्सोल्युटली राइट, एग लेग। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जल्दी से मुझे पहले बताओ कि पहले तो ये डिफरेंस बताओ कि डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, फटाफट से। ऑल दीज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, सो आई एक्सपेक्ट यू टू आंसर दिस। जल्दी से मुझे बता दो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। यंग वंस वालों को वीवीपेरस कहते हैं, viviparous are those organisms which produce their young ones। ठीक है, जल्दी से अविनाश, सुरभि, जया, अविनाश, सुरभि, जया, और कौन कनेक्टेड है भाई? ये तो पांच लोग मुझे दिख रहे हैं और मुझे कमेंट तीन लोगों का दिख रहा है, सुरभि का, जया का और अविनाश का, बाकी कौन से दो लोग हैं एटलीस्ट कमेंट करके बता दो कि कनेक्टेड हैं। वेरी गुड, वेरी गुड सुरभि, देखो सुरभि ने आंसर दे भी दिया, बिल्कुल सही सुरभि, बिल्कुल सही आंसर दिया बच्चे। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बेसिकली इसमें लार्वल स्टेजेस हमें दिखती है, ठीक है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है इसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती। अब मुझे ये बताओ कि कॉकरोच के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट है या इनडायरेक्ट है? हाँ भाई सुरभि, अविनाश, जया, जल्दी से बताएंगे कॉकरोच के अंदर, कॉकरोच के पास कैसा, कॉकरोच की डेवलपमेंट कैसे होती है, डायरेक्ट होती है या फिर इनडायरेक्ट होती है? अब तक लेट मी हैव सम वाटर। नहीं अविनाश, वो बेटा वो इंटरनल और एक्सटर्नल डेवलपमेंट होती है। अगर इनसाइड द बॉडी होगी तो उसको इंटरनल डेवलपमेंट बोलेंगे, आउटसाइड द बॉडी होगी तो इसको एक्सटर्नल डेवलपमेंट बोलेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब होता है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो आपका बेबी होता है वो एडल्ट की तरह नहीं दिखता होता,
तो वो कुछ लार्वल स्टेजेस होते हैं, बेबी बेसिकली लार्वा, वो कुछ लार्वल स्टेजेस अंडरगो करता है एंड उसमें चेंजेस आते हैं और वो एडल्ट की तरह दिखता है। डायरेक्ट में जो बेबी होता है वो एग्जैक्टली एडल्ट की तरह दिखता होता है। सर भी आर यू श्योर कॉकरोच में इनडायरेक्ट होता है? आई न्यू इट, कंफ्यूजन हो गई बेटा। कॉकरोच में डायरेक्ट डेवलपमेंट है निम्फ, क्योंकि निम्फ जो होता है वो कॉकरोच की तरह दिखता होता है बट उसके पास कुछ चीजें नहीं होती, जैसे उसके पास विंग्स नहीं होते हैं जब वो बेबी होता है, बट वो दिखता जो होता है वो कॉकरोच की तरह ही दिखता है। तो कोई लार्वल स्टेजेस नहीं है इसके बीच में, बस कुछ डेवलपमेंट हो जाती है, जैसे विंग्स एब्सेंट होते हैं, इसीलिए आपको जब एक निम्फ की बॉडी दिखेगी ना तो उसकी बॉडी में आपको सेगमेंटेशन नजर आएगी। यस, डायरेक्ट होती है, ठीक है। दूसरा, इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते, इसीलिए मैंने आप लोगों को जोक भी मारा था, अगर छोटे कॉकरोचेस को आप हम मार देंगे तो कॉकरोच की जो जनता है वो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि छोटे कॉकरोच रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। बड़े कॉकरोच को मारोगे तो वो रिप्रोड्यूस कर चुके होंगे, छोटे में किल कर देंगे हमारा घर साफ हो जाएगा। वेरी गुड जया, यस डायरेक्ट बताया था, क्लियर है। सुरभि और अविनाश, सुरभि ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट सही बताया था बट वो उसमें गड़बड़ की थी। अविनाश जो तुमने लिखा है बेटा, वो इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग अलग है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर वो आगे दिक्कत करती हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी घुमा कर आ सकता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इज दिस क्लियर? आई कैन सी 6 पीपल कनेक्टिंग विद मी एंड आई कैन नॉट सी रिस्पॉन्स, मुझे रिस्पॉन्सेज नहीं दिख रहे हैं। अविनाश मुझे मैसेज नहीं मिला बच्चे, आई एम सो सॉरी, मैं एक बार दोबारा चेक करूंगी, आई मे हैव मिस्ड द मैसेज, आई विल चेक इट अगेन, ठीक है, आई विल चेक इट टुडे ओनली आफ्टर दिस क्लास एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। अभी मुझे बताओ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं हुआ। नो प्रॉब्लम सर भी बेटा, भूल सकते हैं, मुझे पता है इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, नो डो नीड टू से सॉरी। अभी ये बताओ कि अभी क्लियर है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, अभी क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है अभी? अरे भैया 6 लोग कनेक्टेड है, 3 ही लोग रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी 3 क्या कर रहे हैं? ओके, अविनाश को क्लियर है, सुरभि जया, जया ने तो चलो सही आंसर दिया था, सुरभि आपको क्लियर है? क्लियर, परफेक्ट। चलो अब हम देखते हैं एग्जांपल्स फटाफट से। एपिस हनी बी, ठीक है, एपिस इंडिका बेसिकली हनी बी होता है, बॉम्बिक्स आपका सिल्क वर्म होता है, लैसिफर आपका लैक इंसेक्ट है, वेक्टर्स, आई होप आप लोगों को वेक्टर्स का मतलब होगा, वेक्टर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज को कैरी करते हैं, जैसे एनोफिलीज, जल्दी से बताओ एनोफिलीज किसका आपका, ये जो आपके सामने लिखा है 3 मॉस्किटोज के नाम लिखे हैं, आपको मुझे रिप्लाई करना है, कॉमेंट करना है कि एनोफिलीज किसका वैक्टर है, क्यूलिक्स किसका वैक्टर है और एडीज किसका वैक्टर है, जल्दी से, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होना चाहिए इसमें, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि वेक्टर्स, वेक्टर्स आपको देखो ये ना ये आ जाता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, तो देखो वेक्टर्स वाला पॉइंट, ये क्वेश्चन तो आपका हर किसी भी एस्पेक्ट से आ सकता है, आपके 12th में भी इसके बारे में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो ये उससे भी आ सकता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वेरी इजी, 9th स्टैंडर्ड से इसको पढ़ते आ रहे हैं। वेरी गुड सुरभि, एक्सीलेंट, क्लैप फॉर सुरभि। देखो सुरभि मैम, मैं मार्क्स दे रही हूँ, सुरभि ने एक हमें बता दिया है, ठीक है, तो 1 मार्क सुरभि को चला गया है। यस एनोफिलीज, यस जया ने भी बोल दिया, वेरी गुड जया, ऑल्सो गेट द पॉइंट। एनोफिलीज किसका है, मॉस्किट किसका है, वेरी गुड, नहीं जया ने आंसर नहीं दिया, जया फर्स्ट इज मॉस्किटो बेटा, डिजीज बताना है, यस एनोफिलीज किसका है, मलेरिया का, वेरी गुड, एक्सीलेंट सुरभि, बहुत बढ़िया। क्यूलेक्स बताओ किसका है, क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मैंने बताया था एक क्लास में आप लोगों को, आई थिंक लास्ट क्लास में ही मैंने तुम लोगों को बताया, क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है वो कौन से डिजीज का वेक्टर होता है। अविनाश कहाँ गए तुम, क्यूलेक्स बताओ जल्दी से बताना है, क्यूलेक्स कौन से डिजीज का वेक्टर होता है। एनोफिलीज मलेरिया का होता है जया, क्यूलेक्स बताना है बच्चे, क्यूलेक्स फटाफट से, ओके
मुझे लगता है क्यूलेक्स नहीं आता किसी को, क्यूलेक्स होता है बेटा, वेरी गुड सुरभि, वेरी गुड, एक्सीलेंट, 2 points, वेरी गुड सुरभि, क्लैप फॉर यू अगेन. एलिफेंटियासिस क्यूलेक्स कैरी करता है, वो श्रेरिया बैंक्रॉफ्टी को ये कैरी करता है, जिससे ये डिजीज कॉज करता है, एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस. यस वेरी गुड अविनाश, एब्सोल्युटली राइट. यस सुरभि ने थर्ड आंसर भी दे दिया है. एडीज जो है वो होता है आपका डेंगू का, बिल्कुल सही, डेंगू डेंगू जो भी तुम लोग बुलाओ, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट. ठीक है, और दूसरा वेरी वेरी वेल डन सुरभि ने तीनों आंसर्स दे दिए हैं, बहुत बढ़िया. अविनाश ने भी दिया बट थोड़ा सा लेट हो गया. अच्छा ये जो है, ये आप ये जो दी होती ना आपकी बुक में एग्जाम्पल्स, इससे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं. लिविंग फॉसिल जैसे ऑप्शन आ जाएगा, 2-3 तरह पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल है या इनमें से कौन सा लिविंग फॉसिल नहीं है, तो 3 होंगे 3 नहीं होंगे. तो जो ये आपके एनसीईआरटी में दिए हुए ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ल्यूमिनस किंग क्रैब जिसे बोलते हैं, वो एक लिविंग फॉसिल होता है. ठीक है, फॉसिल बेसिकली जो कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन दी टू ऑर्गेनिज्म, टू फाइलम्स बेसिकली हम कह सकते हैं. हाँ सर, भी पॉसिबल है कि मैसेज लेट आ रहा हूँ, कोई बात नहीं जया, अभी नहीं पढ़ा, नो प्रॉब्लम. हाँ उसमें है ये सारा टॉपिक आपका. ठीक है, सो ग्रिगेरियस पेस्ट कौन सा है आपका? लोकस्ट. अरे इसके बारे में तो मतलब मुझे लगता है आप सबको पता ही है, ग्रिगेरियस पेस्ट के बारे में पता है ना, जो झुंड में रहते हैं, ग्रिगेरियस होते हैं झुंड में रहते हैं. यस सुरभि आपने मेरे बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया. ये तो मतलब मुझे लगता है कि ये जो इनकी कहानी तो मुझे लगता है हम लोग बिल्कुल भूलेंगे नहीं, बहुत ही पॉपुलर हुए हैं ये लोकस्ट, जिन्हें हम कहते हैं झुंड में आते हैं. ग्रिगेरियस का मतलब होता है जो झुंड में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं. तो अच्छा खासा ग्रुप और झुंड बनाकर आते हैं ये. देखे थे किसी ने रियल लाइफ में लोकस्ट? देखे, वैसे मैं चाहती ना देखे, बेचारे बहुत किसानों की फसल खराब करते हैं ये. देखा किसी ने रियल में ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्ट को? देखा तो जल्दी से बताओ. ओके, नेक्स्ट फाइलम है आपका मोलस्का. मोलस्का का बच्चों मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स. सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स को हम मोलस्का कहते हैं. ठीक है, एंड दे हैव शेल्स ओवर दैट. यस, लोकस डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. तो ये आप देख सकते हो आपका स्नेल, ये स्नेल है, ये आपका ऑक्टोपस है. ये काफी सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड दे ऑल बिलोंग टू द फाइलम मोलस्का. ठीक है, ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है. जल्दी से बताओ फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? क्विकली टेल मी विच वाज द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम आपका कौन सा था? फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जल्दी से बता देंगे. अरे तो बड़ा इजी है. सेकेंड लार्जेस्ट आपका मोलस्का है. फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा बताया था मैंने? आर्थ्रोपोडा. एब्सोल्युटली राइट. यस श्रेया बिल्कुल सही, गॉट इट, एक्सीलेंट श्रेया, वेरी गुड बच्चे, क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है. यस, फर्स्ट लार्जेस्ट है मोलस्का, सेकेंड लार्जेस्ट है आपका सेकेंड लार्जेस्ट है आपका मोलस्का. कैसे होते हैं? देखो ये तो जनरल फीचर है, ये तो अब जो पहले चला आ रहा है इसमें कोई अभी चेंज नहीं है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं और बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं. टेरेस्ट्रियल फॉर्म से मिल जाएंगी, एक्वेटिक फॉर्म से मिल जाएंगी. इनके पास होता है गैलगेरियस शेल. किसी किसी में एक्सटर्नल शेल है, किसी किसी में इंटरनल शेल है और किसी किसी में नहीं है. जैसे ऑक्टोपस जो होता है इनमें शेल प्रेजेंट नहीं होता. जैसे आप देख सकते हो ये क्या है आपका स्नेल है, स्नेल में एक्सटर्नल शेल है, देखा है ना, ये एक्सटर्नल शेल होता है. ऑक्टोपस वो एक्सेप्शन है मोलस्का की जिसके पास शेल नहीं होता. और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शेल अंदर प्रेजेंट होता है, एग्जांपल सेपिया. तो ये तीनों आपको याद रखने के, दो एक्सेप्शन जिनमें शेल नहीं है दैट इज ऑक्टोपस, और जिसमें इंटरनल शेल है दैट इज सेपिया. ठीक है, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है ना, तो ये याद रखनी बहुत जरूरी है. ठीक है, इनकी बॉडी जो होती है अब नहीं भूलेगी. यस जया वेरी गुड, मोलस्क आर अनसेगमेंटेड. यस बिल्कुल सही कहा, दे आर अनसेगमेंटेड. और एक और चीज बताती हूँ, वैसे तो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, बट इसमें जो स्नेल्स होते हैं आपके पाइला जैसे हम कहते हैं एप्पल स्नेल पाइला, ये कैसा होता है, ये एसिमेट्रिकल होता है.
क्योंकि इसका शेल देखो बॉडी फॉर्म कैसा है ये आपको याद रखना है, ये कैसे होते हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। क्यों देखो इनका बॉडी फॉर्म देखो कैसा है, इसमें कैसे हमें सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही जया, एब्सोल्युटली भाई, स्नेल पॉलिनेशन भी करता है और ये कैसा है, ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म होता है। अगर इनकी बॉडी को देखेंगे, बॉडी इज अनसेगमेंटेड बट इट हैज थ्री पार्ट्स, दे हैव अ हेड, दे हैव अ वेंट्रल मस्कुलर फुट एंड अ विसरल हम्प, हम मतलब ऐसे उठा हुआ सा पीछे स्ट्रक्चर है और मस्कुलर फुट होता है, ठीक है। इनके पास ये इंपॉर्टेंट है, एक स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन की, जो एक विसरल हम्प के ऊपर एक स्किन की लेयर फॉर्म करती है जिसे हम बोलते हैं मेंटल। और उस जैसे मान लो कि ये इनका हम्प है, ठीक है, ये अगर हमने स्नेल बनाया, ठीक है, ये इनका हम्प है, हम्प के ऊपर है एक मेंटल की कैविटी और सॉरी मेंटल की लेयर, और ये हम्प इसके बीच में एक कैविटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी, जिसमें इनके पास फेदर लाइक गिल्स होते हैं। कैसे इनके गिल्स हैं, फेदर लाइक गिल्स हैं जो ऑफकोर्स इनको रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो याद रखना है फेदर लाइक गिल्स कहाँ प्रेजेंट है, इन दी मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी कहाँ प्रेजेंट होती है, बिटवीन दी विसरल हम्प एंड दी मेंटल, ठीक है। देयर हेड हैज टेंटिकल्स, देखे ना ऑक्टोपस के 8 टेंटिकल्स होते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन गिल्स होते हैं बिफोर बिलो मेंटल, वी जस्ट डिस्कस दैट, एक्सक्रीशन भी उन गिल्स से ही इनका होता है। अच्छा ये इनका एक एक्सक्लूसिव फीचर है तो ये याद रखना, ये कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, कैसे पूछते हैं, मैंने बताया था कि ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें आपको एक एग्जांपल दे देंगे मोलस्का का और एक कॉलम में रेड्यूला होगा। तो याद रखना रेड्यूला कैसे रैस्पिंग, फाइल खुलती है ना ऐसा, ऐसे ऐसे होता है, तो रेड्यूला इज अ रैस्पिंग ऑर्गन एज अ फाइल लाइक, इट्स नॉट, इट शुड बी नॉट फिल, इट शुड बी फाइल, जैसे फाइल खुलती है ना ऐसे खुलती है ना, तो इनका कैसा है, रैस्पिंग ऑर्गन है माउथ इनका, रेस्पिंग ऑर्गन कौन, रेड्यूला, फेदर लाइक गिल्स कॉल्ड टिनेडियम, यस सुरभि वेरी गुड, ये ज़्यादा पूछते नहीं है बट ठीक है तुमने बताया, बहुत अच्छी बात है। टिनेडियम होता है जो फेदर गिल्स होते हैं इनके, मोलस्का का एक्सक्लूसिव फीचर है, रेड्यूला भी मोलस्का का एक्सक्लूसिव फीचर होता है, ठीक है। बाकी ये ओवीपेरस हैं इनकी जो क्या बोलते हैं, और लार्वा ट्रोकोप्लेट लार्वा इनका होता है, एक और लार्वा मैंने आपको बताया था ऑनकोफोर, किसका लार्वा बताया था ऑनकोफोर, किसका लार्वा था जल्दी से बताएंगे, याद है तो ऑन्कोफोर किसका लार्वा था, मैंने बताया था आप लोगों को, जल्दी से आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ना दो तीन चीजें मैं बताती हूँ आप लोगों को, पाइला एपल स्नेल आपको पता है, पिंक टेड पर्ल ऑयस्टर, ऑयस्टर जिसको हम पर्ल कहते हैं ना, रियल पर्ल होता है वो, पर्ल जो होता है ना एक्चुअली इट इज मोलस्का, वो मोलस्का ही होता है जो हमें बोलते हैं ना मोती मिला उससे, आपको क्या कहते हैं ये समुंदर से, वो एक्चुअली मोलस्का है आपका, ठीक है। अच्छा अब एक चीज जो इम्पोर्टेंट है, कोई बताता नहीं है भूल जाते हैं, इसलिए मैं बताती हूँ, कटल फिश सेपी, ये आपको ऑप्शन दे देंगे, जैसे ना ऑप्शन क्या क्वेश्चन ही, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं इसलिए बता रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, ठीक है। अब उसमें क्या है आपका, जल्दी क्वेश्चन क्या मैंने बताया दोबारा से लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको एक दे देंगे कटल फिश, ठीक है, एक आपको दे देंगे सिल्वर फिश, एक आपको दे देंगे डेविल फिश, और एक आपको दे देंगे स्क्लॉइडन। अब देखो कटल फिश क्या है, मोलस्का, सिल्वर फिश क्या है, इंसेक्ट है, अर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, ये किसको बिलोंग करता है, चेंज द पेन, ये है आपका मोलस्का, ठीक है, ये है आपका अर्थ्रोपोडा, ये है आपका मोलस्का, ये स्क्लॉइडन, ये फिश, तो जस्ट इसके नाम में फिश आ गया, इसको हम फिश नहीं बोलेंगे। तो ये एग्जांपल्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, यस सुरभि, सुरभि ने पहले बता दिया सिल्वर फिश एक अर्थ्रोपोडा होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके में, मतलब एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं था, किसी में कोई ऑप्शन था किसी में कोई ऑप्शन था, बट ये एक आया हुआ है इसलिए मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि फिश देखते ही उसको फिश नहीं समझ लेना है। कटल फिश मोलस्का है, सिल्वर फिश अर्थ्रोपोडा है, डेविल फिश मोलस्का है, ऑक्टोपस है, स्क्लॉइडन जो है वो एक फिश होता है, ठीक है, क्लियर हो गया, ये जो है एब्सोल्युटली राइट। तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू पीपल,
लोलिगो स्क्विड होता है, या आप देख सकते हो दिस इज पाइला एप्पल स्नेक, दिस इज सेपिया कटल फिश, दिस इज पर्ल ऑयस्टर, पिंक टेडा, डेंटेलियम, दिस इज काइटन, दिस इज ऑक्टोपस, उन्हें डिफरेंट डिफरेंट आपके ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, आज का हमारा लास्ट का फाइलम है एकाइनोडर्मेटा, उसके बाद हेमिकॉर्डेटा से हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। एकाइनोडर्मेटा स्पाइनी, एकाइनो, एकाइनो मतलब होता है, एकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी, डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, स्पाइनी स्किन होती है या स्पाइन, स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, स्टारफिश। स्टारफिश कैसी है, चमकती हुई स्किन है ये, ठीक है, चमकती हुई इसकी स्किन होती है। अब देखो, अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने तुम लोगों को बताया था कि एकाइनोडर्मेटा के जो फीचर्स होते हैं वो बहुत ही लो फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसको हमने एवोल्यूशनरी स्टेटस में इतना आगे क्यों रखा है, मतलब एकाइनोडर्मेटा के बाद आपके हेमिकॉर्डेट्स हैं और हेमिकॉर्डेट्स के बाद सीधा आपका कॉर्डेटा है, तो काफी आगे हो गया ना। और अभी आप इसकी फीचर्स देखोगे, काफी पोर फीचर्स है, मैं बताती हूँ अभी आपको। तो ऐसे दो रीजंस हैं जिसकी वजह से एकाइनोडर्मेटा एक एडवांस्ड फाइलम माना जाता है। पहला रीजन होता है इसका जो सीलोम डेवलपमेंट है, इसका जो सीलोम का डेवलपमेंट होता है उसको, उस डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एंटेरोसीली। ज्यादा नाम में नहीं जाना, एंटेरोसीली एक तरीका है जिससे सीलम डेवलप होता है, ये देखा जाता है आपके स्कॉडेट्स में। तो जिसकी वजह से ये एक एडवांस्ड फीचर हो गया, जिस तरह से इसका सीलोम डेवलप हो रहा है, ठीक है, यस, ऑटोनॉमी दिखाता है, बिल्कुल सही सर जी। दूसरा फीचर होता है इसके पास कुछ एंडोस्केलेटन टाइप स्ट्रक्चर है, एंडोस्केलेटन भी एक कॉर्डेट का फीचर है। एंडोस्केलेटन का मतलब क्या है, हमारे पास एंडोस्केलेटन है, बोनी एंडोस्केलेटन है, ये एक एडवांस्ड फीचर है। तो ये जो आपको इसको स्पाइनी, ये जो स्पाइनी चीजें दिखती है ना, ये इसके एक्सटर्नल सर्फिस की नहीं है, ये इसकी इंटरनल बॉडी से अराइज हो रहे हैं। तो दे हैव समथिंग लाइक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एंडोस्केलेटन, जहां से बेसिकली इनकी शाइनी या स्पाइनी स्किन जो होती है वो इंटरनल सरफेस से आती है। इन दो रीजन, एंटेरोसीली, दोनों देखो, ई से काइनोडर्मेटा, ई से एंटेरोसीली, ई से एंडोस्केलेटन, ये दो रीजन की वजह, यस रेड, ये दो रीजन की वजह से ये एक एडवांस्ड फाइलम है। अदरवाइज इसके फीचर देखो, जैसे अभी सुरभी ने कमेंट में मेंशन किया कि इसका जो लार्वा होता है वो तो बायलेटरली सिमेट्रिकल है, बट एडल्ट जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। ये क्या है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रेट्रोग्रेसिव उल्टा जा रहा है, मतलब जो लार्वा है, जो बच्चा है वो एडवांस्ड है, जो एडल्ट है वो पिछड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट या मेटामॉर्फोसिस। एक्सीलेंट सर, बिल्कुल सही बच्चे। तो देखो, एक्टोडर्म बियोस्पाइन्स मरीन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है। इसके एडल्ट्स रेडियली सिमेट्रिकल हैं, बॉडी हैव फाइव एक्सिस, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है, कैसे, ऐसे, ठीक है, रेडियल सिमेट्री है, बट लार्वा इसका बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्सोस्केलेटन कैल्केरियस प्लेट्स होते हैं जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं। अच्छा, माउथ देखो, जैसे मान लो कि ये इसका स्ट्रक्चर, स्टारफिश है मान लो, तो यहाँ लोअर सरफेस पे जो है इसका माउथ होता है, और मतलब बेसिकली वेंट्रल सरफेस पे माउथ है, डॉर्सल सरफेस पे इसका एनस होता है। इसीलिए इनकी जो डाइजेस्टिव ट्यूब होती है ना, जो डाइजेस्टिव ट्यूब है, इंटेस्टाइन है, वो हाईली कोइल्ड होती है। क्यों हाईली कोइल्ड है, क्योंकि इतने से सरफेस में ही, इधर माउथ इधर एनस, पूरी जो ट्यूब है इनकी कोइल्ड होती है। यस, जैसे आपकी पॉलीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था, अगर आप लोगों को याद हो, या इसमें ना बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, इसलिए यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ। पॉलीफेरा के पास एक फीचर होता है वाटर कैनाल सिस्टम, जिसके थ्रू वो अपने सारे फीचर्स, जो सारे फंक्शंस करता है। लेकिन एकाइनोडर्मेटा के पास जो होता है वो क्या होता है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। याद रखना, वाटर कैनाल और वाटर वास्कुलर एक ही वर्ड का डिफरेंस है, बट वैसे बहुत बड़ा डिफरेंस है। पॉलीफेरा के पास है वाटर कैनाल सिस्टम, एकाइनोडर्मेटा के पास है वाटर वास्कुलर सिस्टम, जो क्या है बेसिकली, जैसे इसकी एज द क्लास पॉज्ड, हाँ, डाउट बताओ निरंजन, ओके, नाउ इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है, ठीक है, हाँ जल्दी से, हाँ अब ठीक हो गया होगा, अब बीच में लैग हुआ था, आई नो, ठीक है। तो हमने क्या, ये ट्यूब फीड वाटर वास्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू जो है ये अपने सारे फंक्शंस जो है वो प्ले करता है।
ठीक है, अगर हम नर्व कॉर्ड की बात करें, नर्व कैसे, देखो एक नर्व है विच इज एनसर्कलिंग द माउथ, एक नर्व ऐसे है और उससे 5 इसकी रेडियल नर्व जो है राइज होती है, ईच आर्म में जो है एक इसकी नर्व जाती है, हाँ ठीक है। सेक्सेस सेपरेट है विद 5 पेयर ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड 1 पेयर इन ईच आर्म, और जो तुमने बोला था ना कि ऑटोटॉमी शो करता है क्योंकि इसके हर आर्म में जो है एक वो प्रेजेंट है, तो अगर एक आर्म इसका कटेगा तो वो पूरा आर्म जो है वापस से ग्रो कर सकता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी इसकी भी काफी हाई होती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और इसका लार्वा फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, ठीक है फ्री स्विमिंग लार्वा है। एनी डाउट सो ये इसके एग्जाम्पल्स देखो, इसमें भी आपके यहाँ पे जैसे हमने सीरम डेटा में देखे थे ना काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स ऐसे एकाइनोडर्मेटा के भी, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो नाम जो है ना तुम देख लेना किसका क्या है। एस्टेरिस तुम लोगों को याद रहेगा स्टारफिश होता है, एकाइनस सी अर्चिन जैसे उसमें था, सी एनिमोन, सी पेन, सी फैन, ये सारे सीलेंट्रेटा के एग्जाम्पल्स थे। ऐसे इसमें भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं सी के नाम से ही, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, जैसे तो बहुत ईजी है नाम से देखिए पता चल जाएगा, क्योंकि मेरिया है सी क्यूक्यूम्बर। एग्जाम्पल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई फीचर पूछता ना वो ऐसे नहीं पूछेगा कि फाइलम एकाइनोडर्मेटा का क्या है, वो ना एग्जाम्पल देके पूछेगा। क्रिस्टल क्लियर एक्सेलेंट सर्वी, तो एग्जाम सेल साइकिल सेल डिवीजन, हाँ इसके बाद सेल साइकिल सेल डिवीजन ही स्टार्ट कराना है, नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन हमने हर फाइलम के साथ साथ करे हैं, आज जो पढ़ा है और नेक्स्ट क्लास के उसके हम क्वेश्चंस खत्म करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम एक मेंटी क्विज करेंगे, मतलब मेंटी क्विज की क्लास तो अलग से होगी, जो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली टॉपिक स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, उसमें हम जो है स्टार्ट करेंगे आपका दिस सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, पहले सेल डिवीजन ऑफ कोर्स, ठीक है पहले सेल साइकिल, सॉरी आई एम सो कंफ्यूज, सेल एंड देन द सेल साइकिल। तो यूफोरा दैट इज द ब्रिटल स्टार, ये भी जो है आपका एकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है, ठीक है। सो एकाइनोडर्मेटा क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, इज देयर एनी डाउट। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। निरंजन तुम डाउट पूछ रहे थे कहाँ चले गए, सुरभि अविनाश जो भी लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आपको एकाइनोडर्मेटा तक क्लियर है या कोई डाउट है जल्दी से मुझे बता दीजिए, अदरवाइज विल एंड अप द क्लास। आई विल सी यू गाइज ऑन थर्सडे, मेरी नेक्स्ट क्लास जो है वो थर्सडे को है, ठीक है एट 12:30। आज कुछ टाइमिंग में कंफ्यूजन हो गया था नेक्स्ट क्लास, लेकिन एक्चुअली 12:30 को ही है, 12:30 को प्लीज बी अवेलेबल। वी विल कंप्लीट हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा एंड वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड देन वी विल स्टार्ट द साइकिल। जिन्होंने एंड मैं इस पर डेफिनेटली एक मेंटी करने वाली हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत क्वेश्चन वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है क्लियर है परफेक्ट दैट्स ग्रेट। So I will see you all in the next class. Till then, take care. Don't forget to subscribe, like, comment on this.